मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवती का शव लालू छपरा गांव के पास एक चौर से बरामद हुआ था। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में पूर्व प्रेमी द्वारा हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है, साथ ही फरार आरोपी के खिलाफ छापेमारी कर रही है। पूरे मामले में SDPO सरैया अनुमंडल कुमार चंदन ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई थी। शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए SKMCH भेजा जा चुका है। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शव पर गर्दन के ऊपर और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। हत्या से पूर्व पिटाई भी की गई है, जिसमें जख्म के निशान हैं। बाकी बातें जो चल रही हैं वह भ्रामक है। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी FSL की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल FSL ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको FSL भेज के जाँच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे। चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का, हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाए, ताकि मुआवजे की जो पहली किस्त है। घटना के पीछे कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। FIR में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण है, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोगों के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इस पर फर्दर बता पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।